दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का जो टमाटर और मसाला अच्छे तरह से पक चुका है और यहाँ से ऑयल भी छोड़ रहा है। देखिए तो अभी हम लोग इसको हल्का हल्का पूरा मिक्स कर लेते हैं, अच्छे तरह से इसको मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद गाइस अभी हम लोग इसमें ऐड करेंगे अंडा, जो कि हम लोग मिक्स करके जो अंडा को रखा हुआ था और अंडा को अभी हम लोग मिक्स करेंगे। उसके बाद गाइस हम लोग इसमें जब हम लोग इसको मिक्स करेंगे उसी टाइम हम लोग का गैस लो फ्लेम में रखना चाहिए। तो अभी हम लोग लो फ्लेम का रखा हुआ तो अभी हम लोग इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो गाइस इसको हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक हम लोग अंडा हल्का हल्का पक नहीं जाए। तो गाइस हम लोग इसमें अगर मिक्स नहीं करेंगे तो अभी क्या होता है ना, इसमें हम लोग का अंडा मतलब चिपक जाता है और उसमें खाने में अच्छा नहीं लगता। और दूसरा चीज़ होता है हम लोग का अंडा ना थोड़ा बड़ा बड़ा साइज में बन जाता है। तो हम लोग उसको मिक्स करते रहेंगे तो हम लोग का अंडा पूरा छोटा छोटा भुजिया ऐसे वैसे बन के आ जाएगा। तो वैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल हम लोग का अंडा भुजिया रेडी हो चुका है और उसकी खुशबू बहुत मज़ेदार आ रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों सब कैसे हो, आई होप कि आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, अपने मन में खुश हो गए। दोस्तों अभी सुबह का टाइम है तो आप सभी को मेरा और से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अभी सुबह सुबह का टाइम है। फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं गैस ले लिया और यहाँ पे देख सकते हैं कढ़ाई और यहाँ पे आपको दिखाते हैं हम लोग चना का मसाला कैसे बनाते हैं। यहाँ पे गाइस देख सकते हैं हम लोग चना का मसाला भी बनाएंगे। यहाँ पे देख सकते जीरा ले लिया और गोलकी और यहाँ पे देख सकते देखिए गाइस यहाँ पे है हम लोग का गरम मसाला, धनिया और एक तो इलायची भी लॉन्ग भी डाल दिया। तो अभी हम लोग बनाते हैं गाइस, चलिए फटाफट से अभी हम लोग ये जो वाला मसाला भी बनाएंगे ना, तो इसमें हम लोग चना जब बनाते हैं यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम लोग चना बनाते हैं। कभी कभी मतलब कस्टमर जब भी मांगता है तो हम लोग को चना बनाना पड़ता है, उसी टाइम हम लोग काला नमक और वाला मसाला का जरूरत होता है। तो अभी हम लोग बनाते हैं और आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिए हम लोग किस तरह से मसाला को बनाते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली हम लोग गैस जला लिए, गैस को अपने कढ़ाई रख दिए, इसको हल्का से गर्म होने देते हैं थोड़ी देर के लिए। जब हम लोग मसाला वगैरह ले लेते हैं इसको जीरा और गोलकी यहाँ पे, तो इसको मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पहले सबसे पहले ये दोनों को डालेंगे, यहाँ पे जीरा और गोलकी को डाल दिया तो इसको थोड़ा हल्का सा मिक्स करना होगा हम लोग को, ज़्यादा भी लाल नहीं करना, लिमिट करना नहीं तो जल जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद डालेंगे जल देख सकते धनिया और इसमें गर्म मसाला, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर सब चीज़ हम लोग ऐड कर दिया, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग ऐड कर ले सबसे जीरा और गोलकी और यहाँ पे देख सकते धनिया और ये वाला है हम लोग गर्म मसाला और ये वाला इलायची भी लौंग भी है ताता भी, सुन इसको पूरा भी चलाना है ऐसे धीरे धीरे आपको। अभी बनेगा स्पेशल चना मसाला दोस्तों, इसको हम लोग बीच बीच में ऐसे चलाना पड़ता है ताकि नीचे नहीं जल जाए, अच्छा तरीके से इसमें पक जाए हर चीज, पूरा हल्का सा लाल लाल करना हो पूरा गोलकी जीरा को सब मसाला को। उसके बाद इसको हम लोग ग्राइंडर में पीसेंगे पूरा मस्त तरीके से, उसके बाद बन जाएगा मस्त वाला मसाला चना मसाला। तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग का मसाला ऑलरेडी तैयार हो चुका है और थोड़ी देर में पूरा रेडी हो जाएगा इसमें। सो चलाना होगा, जलाना नहीं होगा, जब हल्का हल्का थोड़ा भूजना है, लाल करना जगह नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग फाइनल मसाला मीठी तैयार हो गया, देखिए मस्त वाला। तो अभी हम उसमें से उतरते गैस को बंद कर लेते सबसे पहले, तो अभी हम लोग उसको गरम गरम में पीसेंगे ग्राइंडर में। देखिए फाइनली इसमें डाल लिया, देख सकते हैं पूरा गरम है, तो हम लोग उसको पीसते हैं थोड़ा ऐसे। यहाँ पे देख सकते ग्राइंडर में हम रेडी करके रख लिया था, तो हम लोग इसको पीस देते हैं मस्त करके, हल्का से इसमें काला नमक ऐड कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फाइनली हमने सब चीज़ डाल दिया यहाँ पे और यहाँ पर काला नमक ऊपर से हल्का से ऐड कर दिया। तो अभी हम लोग इसको पूरा मिक्सर में पूरा मिक्स करेंगे पूरा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम लोग का मसाला फाइनल तैयार हो चुका है, नहीं और थोड़ा लगेगा, जब जैसे तैयार नहीं हुआ था मोटा मोटा से ऊपर पतला पतला करना और थोड़ा पीस लेते इसको। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मसाला हम लोग फाइनली तैयार हो चुका है, चना वाला पूरा मस्त कर बन करके तैयार हो चुका है। आपको दिखाते रुके, देखिएगा जब रुको इसे लाइट कर दिखाते हैं, देखिएगा मस्त बन कर तैयार हो चुका है। अभी हम लोग इसको चना बनाने में मज़ा आएगा, उसको टेस्ट भी आएगा। तो छोटा वाला डब्बा में इसको भर कर रखते हैं। दोस्तों फाइनली मसाला बना के रेडी कर ले जो चना में मिलाने वाला मसाला। तो गाइस अभी हम लोग थोड़ा घर का सामान सब्जी वगैरह सब कुछ चेक करना चालू आ रहा है कि नहीं, नहीं तो हम लोग को जाना पड़ेगा मार्केट। आप देख सकते हैं अभी हम लोग का घर में सब्जी पूरा खत्म हो चुका है, देखिए टमाटर भी तीन हुए, प्याज चार पाँच बचा हुआ, आलू तो पूरा खत्म ही हो गया। एंड गाइस हम भी यहाँ पर बहुत दिन से नहीं था, तीन चार दिन से हम गाँव चले गया था, तो उसी के कारण से मम्मी ना अकेला रहता है तो वो कुछ लेके नहीं आ पाता, दुकान वगैरह जा नहीं पाता, यहाँ पर उसका दुकान भी है। तो अभी हम लोग चलते गाइस मार्केट और सब सब्जी वगैरह लेके आते हैं। तो गाइस वीडियो में बने रहना एंड तक और आपको दिखाते हैं थोड़ा हम लोग आदिकपुर का बाज़ार। चल तो बैग ले लेते हैं, बैग लेके चलते, गाड़ी मेरा इधर खड़ा हुआ, देखिए मेरा गाड़ी भी गंदा हो जाएगा भाई, इसको हम साफ नहीं कर पाया, कर रात को आया था ना, तो अभी ऐसे चलते आके उसको साफ सफाई करते। तो Thank you.
चुका हूँ मार्केट और चावल का दुकान पे है। चाचा का, चाचा अभी क्या रेट चल रहा चावल का एक बार बताइए तो हमको। 30 रुपया ना ये ला जाया क्या? कौन सा अच्छा होगा चाचा बताइए तो। तो दोस्तों आप देख सकते हो पूरा चाचा का दुकान ही चावल का दुकान, देखिए पूरा भरा हुआ चावल का। आपको यहाँ पर सब चावल मिल जाएगा, जैसे कि आपको स्टोर वाला चावल भी रखते हैं और बाकी बोरा वाला जो। चाचा हमको ओला ही दे दीजिए, ओला हमको अच्छा लग रहा है। हाँ हम लोग यही वाला ले लेते हैं, 30 किलो इसी को ले लेते हैं। और चाचा का पूरा दुकान दिखा देता है, यहाँ पर देखिए मार्केट एरिया है, यहाँ पर पूरा राशन का दुकान ही लास्ट तक है। और इधर सामने में देख सकते हैं बर्तन का दुकान, देखिए तो हम लोग का चावल लगभग 30 किलो हो गया। ये तो चाचा ठीक है, 30 किलो लेके जा रहे हैं हमको। देख सकते हैं अभी चावल को लोड कर लिया गाड़ी में और अभी चाचा जी पेमेंट करते सो निकलते हैं यहाँ से। चाचा का पेमेंट कर देते थोड़ा ले जाए चाचा, हम निकलते हैं हम भी सब। हाँ ले जाए ठीक है ना, ठीक। अभी हम लोग निकलते थोड़ा सब्जी मंडी और सब्जी करके लेके चलते हैं। आज तो यहाँ पर सब्जी मंडी भी बंद है, काफ़ी सारा दुकान बंद है, यहाँ एक दो खुला हुआ है देख सकते हैं। तो सब्जी मंडी पूरा यहाँ बैठता है भैया का दुकान पे, और यहाँ से लेते हैं मिर्चा, धनिया दीजिए 10 का और मिर्चा भी 10 का दीजिएगा। हाँ बहुत महंगा हो गया सब चीज़ ने। लेम्बू कैसे पड़ रहा भैया अभी? 20 का 4 मतलब 5 रुपये पीस, 40 रुपये पाव है, 60 रुपये हो गया नहीं लहसुन। और इधर भी लगता है हम लोग सब्जी मंडी, और यहाँ पूछते हैं टमाटर का भाव कैसे चल रहा है यहाँ पे। इधर पूछते रहो टमाटर का भाव, आज ऐसे भी काफ़ी सारा ज़्यादा दुकान बंद है, यहाँ पे दुकान बैठता है लेकिन आज बंद है, इतना ज़्यादा धूप दे रहा है उसके कारण से लोग बंद कर देता है। यहाँ से भैया से पूछते हैं टमाटर का भाव, भैया टमाटर कैसे दे रहा? 30 रुपये किलो ले लेते किलो। हम फाइनली टमाटर ले लिया, हम लोग का आदिपुर का सब्जी मंडी है, तो आज इतना ज़्यादा भीड़ भी नहीं है भाई, आज इतना धूप दे रहा है ना, कौन मार्केट भी नहीं आ रहा, मार्केट भी बहुत कम लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ तरबूज का पूरा दुकान है, देखिए अभी गर्मी का सीजन है, तरबूज बहुत ज़्यादा बिकता है। पुई वाला साग कैसे है अलग? 10 रुपये एक तो दे दीजिए। तो भाई हम पुई का साग ले लिया यहाँ से, तो अभी अब चलते हैं, अब क्या लेंगे, हम चीज़ ले लिया। तो अभी हम लोग निकलते घर और आपसे मिलते डायरेक्ट घर पर, बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है भाई यहाँ पर। दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं घर अभी, और इतना भयंकर धूप हो रहा है इस पहाड़ में ना, रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा गाड़ी में अभी तक चावल बंधा हुआ, तो इसको खोलते और उसको घर के अंदर रखेंगे। ये भी गर्म हो गया भाई, अभी इतना ज़्यादा धूप दे रहा है ना, अभी देख सकते हैं यहाँ पर धूप, देख कितना खतरनाक वाला धूप हो रहा है, तो इसको फटाफट से खोलते दोस्तों चावल को बांध रखते हैं यहाँ पे, और अभी हम लोग इसको भी अरेंज कर लेते हैं सब्जी वाला, इसको बाहर निकालते हैं। चलिए कैसे से रख दिया, पूरा गंदा भी हो गया दोस्तों। अभी हम लोग जितना सब्जी लाया था सब थैला के अंदर में है, तो सब एक एक करके निकलते हैं यहाँ से। सबसे पहले ओनियन ऊपर में रखेंगे, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरत होता है, हमसे कम होता है, इसलिए इसको ओनियन को हम लोग टॉप में रखते हैं। पहले साग भी एक तो लेकर आया, साग इसको बनाएंगे सब्जी, आधा किलो लेके आया, इसको 30 रुपये किलो चल रहा है। और यहाँ पर है धनिया पत्ता और मिर्चा का चाला, ये वाला पोजीशन तो कल खाली रहेगा। तो दोस्तों आपको बता देगा, जैसे कि हम लोग आलू जो आ रहा है अभी मार्केट में ना, वो सब पक नहीं रहा, हम लोग उसी के कारण से हम लोग भी लाया नहीं आलू को, कुछ दिन छोड़ा, तो उससे जब नया स्टॉक आएगा उसके बाद फिर हम लोग लेकर आएंगे आलू। हम लोग सब चीज़ अरेंज हो चुका है, यहाँ पर आपको दिखा भी दिया, पूरा अरेंज कर लिया दोस्तों। अभी हम लोग बनाएंगे थोड़ा सब्ज़ी, क्या कहते मम्मी सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी रहता है तो वो सब्ज़ी बना नहीं पाता, तो आज हम लोग बनाएंगे अंडा भुर्जा, जो अभी हम लोग मसाला भी जो पीस किया था उसी मसाला से बनाएंगे। तो आज चलिए अभी हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक भुर्जी बनाने के लिए कितना सारा हम सामान लेके गया है। देखिए यहाँ पे है मिर्च कटा हुआ, और टमाटर और प्याज है, और अंडा ले लेते हैं इनको, और यहाँ पे जैसे लहसुन भी ले लिया हम थोड़ा सा। और पाँच अभी हम लोग बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग गैस को चालू करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं अभी हम लोग गैस को ऑन कर लिया, तो अभी हम लोग इसके ऊपर में कढ़ाई को रख देते हैं, हम लोग कढ़ाई में बनाएंगे, पूरा देसी स्टाइल बनाएंगे। देखिए गाइस तो इसको हम लोग हल्का से गर्म होने देते हैं थोड़ी देर। वैसे आपको एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पे देख सकते हो ये जो अंडा है ना, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे फोड़ के रखेंगे, इसको पूरा फोड़ देते पहले सबसे पहले, तब तक कढ़ाई गर्म होते रहेगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 3 अंडा इसमें फोड़ दिया, तो अभी हम लोग इसको मिक्स करेंगे, हल्का सा नमक दे देंगे सबसे पहले, तो इसमें हल्का सा नमक डाल देते हैं और इसको पूरा मिक्स कर देते अच्छा तरीके से, इतना अच्छे से उसको घोल कर रख सकते हैं, इतना अच्छा है, इतना टेस्ट आएगा, उसको पूरा घोल करके मिक्स कर देते हैं। तो आज जैसे तो फाइनली हम लोग का मिक्स हो चुका है अंडा, और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का कढ़ाई भी गर्म हो गया, तो अभी हम लोग इसमें ऑयल ऐड करते हैं, इसमें हम लोग ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालेंगे, हल्का ऑयल हमको चाहिए।
बस फाइनली गाइस हम लोग ऑयल भी डाल दिया, तो अभी हम लोग उसको थोड़ी देर गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग ऑयल फाइनली गर्म हो चुका है, तो अभी हम लोग इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले प्याज को ऐड करेंगे। इसको मिक्स कर देते हैं, इसको भी आपको ज़्यादा नहीं पकाना, हल्का ही पकाना है यहाँ पे। आपको और ज़्यादा भी प्याज ले सकते हैं, अच्छा सकते हैं, हमको प्याज थोड़ा हल्का ही लिया, इसको हल्का ही आपको लाल डाला, ज़्यादा नहीं हल्का सा। मिर्चा कम से मिर्चा पहले इसलिए नहीं डाला, मिर्चा तो पहले डालते हैं तो जल्दी जल जाता है, तो मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो अभी इसे देख सकते हैं हल्का हल्का पानी नहीं हो रहा, तो अभी हम उसको ऐड करेंगे। और देखिए मिर्चा कटा हुआ, मिर्चा को ऐड कर लेते हैं, और इसके साथ अभी हम लोग रसून है, रसून भी ऐड कर देते हैं। देखते हैं ज़्यादा भी नहीं भूजेंगे, हल्का से ही ऑयल में हल्का तरह से इसको भूज लेते हैं। दोस्तों हम लोग को फाइनली ऑनियन पक चुका है, मतलब अच्छी तरह से भून चुका है, तो वैसे अभी हम लोग इसमें ऐड करेंगे टमाटर को। जैसे टमाटर ऐड करते हैं उसके बाद अभी हम लोग ऐड करेंगे इसमें नमक को। नमक को ऐड करने के बाद अभी हम लोग इसको अच्छा तरीके से मिक्स करेंगे, तो अच्छा तरीके से उसको पकाना होगा गाइस। जब तक हम लोग का मतलब मसाला और जो टमाटर से जब तक ऑयल नहीं निकलेगा तब तक अभी हम लोग उसको पकाना होगा गाइस। हम लोग उसको बीच बीच तक हमको मिक्स करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग गैस को हाई फ्लेम में रख दिया, उसको थोड़ा अभी हम लोग उसको अच्छा तरह से मिक्स कर लेते हैं। जब तक वो अच्छा तरह से नहीं पकेगा तब तक गाइस हम लोग इसको मिक्स करना पड़ता है। दोस्तों अभी हम लोग इसमें ऐड करेंगे मसाला को, जो हम लोग पीस के रखा था उसको। इसमें सब चीज़ ऐड है, जीरा है, धनिया है, सब कुछ गोलकी वगैरह सब कुछ ऐड हो चुका है। तो जब हम लोग इसको ऐड कर लिया तो हल्का सा हल्दी भी ऐड कर लिया, तो अभी गाइस हम लोग इसको स्टेयर करना, अच्छे से मिक्स करना है गाइस, पूरा अच्छा तरह से उसको मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग इसमें हल्का से काला नमक को ऐड करेंगे, इससे भी टेस्ट और बढ़िया आता है। तो गाइस अभी हम लोग इसको अच्छा तरीके से मिक्स कर लेते हैं। देख सकते हैं अभी हम लोग फाइनली मतलब ऑयल पूरा छोड़ चुका है यहाँ पे, देखिए मसाला से थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग इसमें ऐड करेंगे अंडा को। तो गाइस अभी हम लोग गैस को लो फ्लेम में रख दिया, तो अभी गाइस अभी हम लोग इसमें अच्छा तरीके से मिक्स करेंगे। तो लो फ्लेम में गैस को रखना है गाइस, उसके बाद अभी जब तक थोड़ा थोड़ा नहीं पकेगा तब तक हम लोग गैस को बढ़ाएंगे नहीं। और गैस को बढ़ा देंगे तो गाइस हम लोग का यहाँ पे क्या होता है ना, अभी अंडा हम लोग का जल जाता है थोड़ा थोड़ा, तो उसमें खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो अभी हम लोग इसको अच्छा तरीके से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों और थोड़ी देर में हम लोग का अंडा भुजिया बनकर रेडी हो जाएगा। दोस्तों हम लोग का अंडा भुजिया लगभग हो चुका है, और एक मिनट में हम लोग का पूरा बनकर रेडी हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा हल्का हल्का हम लोग उसको मिक्स करेंगे। दोस्तों फाइनली हम लोग का अंडा भुजिया बनकर रेडी हो चुका है, दोस्तों देख सकते हैं आप लोग। हम लोग खाना ले ले रहे, यहाँ पे जो अभी बनाया था जस्ट वाला सब्जी मम्मी के लिए थोड़ा बचा कर रख देते। दोस्तों हम लोग पहले ले लिए खाना है, देख सकते हैं ये अंडा वाला भुजिया जो अभी बनाया था, उसको टेस्ट करके देखते हैं कैसे बना हुआ। उसका टेस्ट लगा जैसे बहुत अच्छा बना हुआ, और जो मसाला हम लोग लाया था उसका टेस्ट आया उसमें बहुत अच्छा है। तो भाई चलिए अभी हम लोग खाना खाते, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं खाना खाने के बाद। टेस्ट ना ऐसे भी बहुत अच्छा है, हमको लगा तो बहुत अच्छा है। तो आप लोग एक बार ट्राई करिए बना के, ऐसे जैसे हम लोग मसाला वगैरह बनाया ऐसे बना के एक बार ट्राई जरूर से करिएगा। अंडा चना भुजिया बना के जरूर देखिए। तो एक्चुअली अभी हम लोग फटाफट से खाना खाते, उसके बाद आपसे मिलते खाना खाने के बाद। तो हम फाइनली खाना खा के रेडी हो चुका है, और आप लोग देख सकते हैं फाइनली अभी ड्रेस व्रेस पहन लिया, ड्यूटी ड्रेस है, बरिश्ता का है। तो गाइस ब्लॉग को एंड करते हैं। दोस्तों आइए आपको वीडियो पसंद आएगा, दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड आप चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के बाय बाय।